हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और धमाकेदार जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से CGL की न्यू रिक्रूटमेंट फॉर बम्पर नंबर की सीट 2024 के रिगार्डिंग। CGL क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होती है। इसके लिए प्रति वर्ष आपका 10,000 से 12,000 नंबर के सीट पर वैकेंसी आती है और इसके लिए जो भी ऑफिशियल डेटा होता है, SSC ने नया एग्जाम कैलेंडर जारी करके सारा डेट वगैरह बता दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम इसके बारे में फुल्ली डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर आप SSC का न्यू एग्जाम कैलेंडर या फिर CGL का सारा डिटेल चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर अपलोडेड है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, SSC ने कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें बताया है कि 24 जून यानी कि 24 जून से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा CGL का। लास्ट डेट 19th यानी 19 जुलाई आपका अंतिम तिथि रहेगा। साथ के साथ एग्जाम का डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया। देखिए, सितंबर से अक्टूबर में आपकी टीयर 1 की परीक्षा करा ली जाएगी। फिलहाल देखते हैं कि एज लिमिट क्या होगी। एज काउंट होगा आपका 1st of August 2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 के अनुसार एज कैलकुलेट किया जाएगा। 20 वर्ष से 30 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज जो 30 वर्ष का होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन मिलता है। OBC को 3 वर्ष का और SC ST को 5 वर्ष यानी 5 इयर्स का। क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है। देखिए, ग्रेजुएशन है बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, या फिर अगर आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, कुछ ऐसा स्ट्रीम रिलेटेड भी इशू नहीं है। किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप बी की एक ऑफिशियल पोस्ट होती है। बहुत अच्छी इसमें पोस्ट आते हैं, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे विभाग में जैसे कि GST इंस्पेक्टर, ऑडिट असिस्टेंट, बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्ट की वैकेंसीज कंडक्ट कराई जाती है। ग्रुप बी का पोस्ट है, ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। पहले स्टेज पर टीयर 1 एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन, सेकंड टीयर 2 एग्जाम होगा, फिर आपको आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा, फिर आपको मौका मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में एज एन ऑफिसर, वो भी ग्रुप बी का वर्क करने का। चलिए अभी हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को इन डिटेल अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाइंग होता है, इसमें क्वालिफाई करोगे तभी जाके आपको टीयर 2 देने का मौका मिलता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 200 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 मार्क मिलता है। टाइम रहता है 1 आवर यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाता है और निगेटिव मार्किंग 1/2 मतलब 0.50 का निगेटिव मार्किंग है। सब्जेक्ट वाइज बता दूँ कि मैथ से 25 क्वेश्चन यानी 25 प्रश्न है 50 नंबर के लिए, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, GK से 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिल रहा है। चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन होगा। तो ये तो आपका क्वालिफाइंग है, इसमें क्वालिफाई करेंगे तब आपका होगा टीयर 2। देखिए, टीयर 2 का जो टोटल टाइमिंग होता है ना, आपका 2.5 घंटे का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है और 3 सेक्शन में भी ये डिवाइडेड होता है। सेक्शन 1 जो होता है फ्रेंड्स, उसमें आपका मैथ और रीजनिंग का होता है। मैथ से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, 1 घंटे का होता है। टोटल आपका 60 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 180 मार्क्स के लिए सेक्शन 1 हो जाएगा। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और GK सब क्वेश्चन होता है, 1 घंटे का ये भी टाइमिंग होता है। इंग्लिश से 45 क्वेश्चन और GK से 25 यानी 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन के लिए मिलेगा 3 नंबर, तो मैक्सिमम 210 मार्क्स के लिए आपका सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखिए, आधे घंटे का ये होता है जिसमें 15 मिनट आपका कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन,
आपका 60 नंबर के लिए। उसके बाद जो अगला और लास्ट 15 मिनट होगा आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा 15 मिनट्स के लिए। अब जैसा कि आपको पता है कि टाइपिंग में इंग्लिश का होना चाहिए कम से कम 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट, तो वही सिंपल सा आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जिसको क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि ये टोटली क्वालिफाई करेंगे तब टीयर 1 प्लस टीयर 2 के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें आपका नाम आने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी और ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ग्रुप बी के ऑफिसर के रूप में वर्क करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो वर्क करते वक्त सैलरी क्या मिलेगी देखिए, शुरुआती दौर में सैलरी 35,400 है और बाद में बढ़ा करके 112,400 कर दिया जाएगा। तो मौका बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। बम्पर सीट के ऊपर वैकेंसी आ रही है तो अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर लिए। फिलहाल फॉर्म अप्लाई हो रहा है और एग्जाम का अभी आपको 2-3 महीने समय है, तो पिछले साल का जो भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर सेट लगाइए, मॉडल पेपर बनाइए, सिलेबस जल्दी से जल्द आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आई होप इस पोस्ट की सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। अब भी कहीं पर कोई डाउट है, मन में कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।